उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही मथुरा में जिला प्रशासन द्वारा आचार संहिता का पालन कराने के लिए पूरा जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है, जिसके तहत शहर में लगे सभी राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर और बैनर के साथ साथ होर्डिंग को हटाए जाने का काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें मथुरा वृंदावन नगर निगम की कई टीमें बनाकर होर्डिंग एवं बैनर हटाने का कार्य कर रही है, जिसमें जिला चुनाव अधिकारी द्वारा यह आदर्शित किया गया है कि अगले 24 घंटे में मथुरा जिले में लगे सभी राजनीतिक पार्टियों के बैनर और पोस्टर एवं होर्डिंग सड़कों से हटा दी जाए, क्योंकि चुनाव आयोग के आदेश होने के बाद जिला प्रशासन को आदर्श आचार संहिता का पालन करना जरूरी है, इसलिए अब सड़कों पर लगे ये होर्डिंग और बैनर पोस्टर आनंद फार्म नगर निगम टीम द्वारा हटा दिए गए हैं। नगर निगम के आला अधिकारियों का कहना है कि चुनाव आयोग की सख्ती की घोषणा के बाद आचार संहिता का सख्ती से पालन कराना हमारे लिए जरूरी है, इसके नियमों के तहत जल्द ही राजनीतिक होर्डिंग और बैनर पोस्टर हटा दिए जा रहे हैं और जिले भर में कई टीमें बनाकर यह कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि 24 घंटे के अंदर जनपद में लगे राजनीतिक होर्डिंग एवं बैनरों को भी हटा दिया जाएगा। आदर्श आचार संहिता लागू की जा चुकी है शासन द्वारा और ये इलेक्शन कमीशन द्वारा, उसके तहत उसके अनुपालन में माननीय नगर महोदय के निर्देश के अनुपालन में जितने भी होर्डिंग बैनर पोस्टर लगे जा रहे हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के, उनको सम्मान तरीके से हम लोग हटवा रहे हैं, पूरी तरह हटवा रहे हैं, हम लोग गेट एंट्री हों चाहे यूनिफॉर्म हो हटवा के हम लोग रखवा रहे हैं। हम लोगों ने 4 टीम बनाई है मथुरा में, 2 टीम बनी है हमारी वृंदावन में, तो मथुरा में 4 टीमें, चारों के नोडल प्रभारी हैं, एक टीम हमारी रिफाइनरी से और टैंक चौराहे होते हुए स्वामी घाट जाएगी, दूसरी टीम हमारी रायाकट से रायाकट होते हुए सीधे यहाँ पे आई पुराने रस्ते में, तीसरी टीम हमारी टैंक चौराहे होते हुए मसानी गेट चौराहे जाएगी, चौथी टीम हमारी ये आपकी कौन सा ये भूतेश्वर से और गोवर्धन रोड बैठ जाएगी। अब लगभग कम से कम 150-200 होर्डिंग मैंने पूरी छटवा जा चुके हैं, लगभग 150 के आसपास, और हमारा प्रयास रहेगा कल शाम तक, कल 4 बजे तक 100% कहीं भी आपको मुख्य मार्गों पर और छोटे मोटे मार्गों नहीं मिलेंगे आपको, ये नया बहुत ही निर्देश है उसका, हम 100% शासन प्रशासन के सेवक से हम कार्य करेंगे। धन्यवाद।